भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे संक्रमण के लक्षण, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में हुए भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोरोना लक्षणों के चलते मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बुधवार रात करीब 11:30 बजे उन्हें वहां भर्ती किया गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मरीज को एडमिट करने से पहले COVID-19 टेस्ट करवाया जाता है। पात्रा का भी कोरोना टेस्ट हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर फिलहाल संबित पात्रा को हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्थित वार्ड में रखा गया है। संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता होने के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे MBBS के साथ साथ मास्टर ऑफ सर्जरी भी हैं। 2003 में उन्होंने UPSC की कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा पास की थी और दिल्ली के इंदू राव अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया था। इसके बाद संबित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। वह उड़ीसा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2019 में पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजू जनता दल के उम्मीदवार पिनाकी मिश्र से हार गए थे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।